ईरान के हमलों से पाकिस्तान बौखला गया है। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। ईरान ने आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस घातक हमले ने पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया है। लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि ये वही ईरान है जो एक समय पर पाकिस्तान का कट्टर दोस्त हुआ करता था। ये वही ईरान है जिसने 1965 और 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में पाक की खुलकर मदद की थी। लोग जानना चाहते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों में ऐसी क्या खटास आ गई कि एक समय पर एक दूसरे को भाई कहने वाले दोनों देश अब जानी दुश्मन बन गए हैं। आइए आज इस वीडियो में हम आपके मन में आ रहे इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते कैसे खराब हुए। मेरा नाम है कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान पर ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद दुनिया इन दोनों देशों के रिश्तों में आई दरार की चर्चा कर रहे हैं। लोग दोनों देशों में आए उतार चढ़ाव की वजह जानना चाहते हैं। दरअसल पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती में दरार आनी तब शुरू हुई जब 1979 में ईरान शिया मुस्लिम वाला देश बन गया, जबकि पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। मुस्लिम धर्म से जुड़े होने के बावजूद इनकी मान्यताओं और विचारधाराओं में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों देशों में बिगड़े संबंधों का ये इकलौता कारण नहीं है। समय समय पर दोनों देशों के बीच कुछ ना कुछ विवाद छिड़ते रहे हैं, जैसे कि लाहौर में ईरानी राजनायक सादिक गंजी की हत्या और फिर साल 1990 के दौरान पाकिस्तान में ईरानी वायुसेना के कैडेटों की हत्या से दोनों देशों की दुश्मनी गहरी होने लगी। इसके बाद साल 2014 में ईरान के 5 सैनिकों का पाकिस्तान के आतंकी समूह जैश उल अदल ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद ईरान ने सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। 5 में से 4 सैनिकों को पाकिस्तान ने वापस कर दिया था, लेकिन एक सैनिक की मौत हो गई थी। इससे विवाद और बढ़ गया। वहीं पाकिस्तान और ईरान में बिगड़े संबंधों का एक बड़ा कारण अफगानिस्तान सरकार को लेकर दोनों देशों की अलग नीतियां भी मानी जाती हैं। दरअसल पाकिस्तान हमेशा तालिबानी आतंकियों का समर्थक रहा है, जबकि ईरान वहां की पूर्व सरकार का पक्ष लेता रहा है। आपको बता दें कि ईरान के पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर किए गए मिसाइलों और ड्रोन अटैक में 2 बच्चों की जान चली गई है। इस हमले में 3 लड़कियां भी घायल हुई हैं। वहीं इस हमले पर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसके साथ ही पाक ने गंभीर परिणामों की चेतावनी भी दी है। अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले में पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करता है या नहीं। खैर, इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।